हेलो गाइस, दिस इज अनुराग झा एंड यू आर वाचिंग नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है उसके पार्ट वन के बारे में। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इसका दो पार्ट मैंने बनाया है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि पीडीएफ फाइल कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो है मैं आपको कुछ खास भी बताने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में आपकी जो वर्ड की सीमा होती है वो 20 से 30 होती है, ठीक है। 2 से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होती है, और आपके जो कुल 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको जवाब देने होते हैं, और 2 मार्क्स के लिए प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की एक शहरी सभ्यता थी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बताना है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल नहीं लिखना। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी कैसे, ठीक है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कि कैसे किस तरह से भाषा शब्द, उसके उसके भी और सारे वीडियोज पार्ट हैं, तो वो भी आगे आएंगे, तो वो आप वीडियो आप जाके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है आपका शहरी सभ्यता थी, जो कैसे बताना है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से बता सकते हैं। देखिए, तो आप जो है मुख्य जब पॉइंट वाला क्वेश्चन आए तो या 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको बताने होते हैं, और भूमिका में 1-2 लाइन ही लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए क्योंकि आपके पास शब्द की सीमा कम है, शब्द की सीमा मत तोड़िए, ठीक है। और 2 या 3 पॉइंट निश्चित रूप से, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिखिए, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट तो निश्चित रूप से लिख ही दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन, तो इसको जो है आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद जो है, अगर यहाँ से अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ से आप जो है स्क्रीन शॉट लेकर भी उसका जो है आंसर लिख सकते हैं, और कम से कम 3 क्वेश्चन तो आप लिख ही दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 दे दिया है, कोई भी 2 या 3 याद रहे तो वो लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य कारण के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कारण ही लिखना है। तो फिर मैंने वही बताया कि 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको निश्चित रूप से 2 या 3 पॉइंट तो लिख ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 20 या 30 क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे VVI क्वेश्चन लगा हुआ है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका चौथा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी का स्रोत। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, लास्ट में जो है आपको PDF फाइल भी बताया जाएगा। चलिए देखिए, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया ताकि आपको कुछ कम, अगर एक आध सब लाइन भूल भी रहे हैं तो भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है वो है कि हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों की विशेषता क्या थी, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं मिले PDF तो यहाँ से आप लोग आराम से देख के आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का वर्णन कीजिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का वर्णन, मैं बार बार कहता हूँ कि शब्द की सीमाएं नहीं तोड़ना है, ठीक है, और शब्द को किस हिसाब से कैसे लिखना, आपकी एवरेज राइटिंग है तो किस तरह से लिखना, अगर स्पीड लिखते हो तो वो किस तरह से लिखना, हैंड राइटिंग पर ध्यान निश्चित तौर से दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है ये कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए, ठीक है। तो स्नानागार जो था वहाँ पे मोहनजोदड़ो में मिला है उसके बारे में लिखना है यहाँ पे, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इसको वीडियो को पज कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगर का योजना का वर्णन कीजिए, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वहाँ पे किस तरह से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, नगर में किस तरह का व्यवस्था था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, आप लोगों के लिए इतना करते हैं, तो आप लोग एक आध इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, कि आप आराम से
इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जहाँ पे भी आपका फेसबुक पेज है वहाँ पे शेयर करिए, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जाके इसका लिंक शेयर कर दीजिए। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अगला जो आपका पार्ट आएगा इसी से, उसमें जो है आपका टोटल हड़प्पा सभ्यता क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप जो PDF है आपका वो कंटिन्यू रहेगा। आप PDF डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।